गुड इवनिंग सभी साथियों, बहुत सारा प्यार सभी बच्चों को। स्वागत है आपका जियोग्राफी की लेक्चर 2 में। और साथियों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपको पता है, कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अध्ययन कर लिया। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो हम ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन किए हैं, इसके पीछे कई बड़ा एक राज है। राज क्या, आपको पता होना चाहिए कि भारत की जब हम स्थिति विश्व ग्लोब में निर्धारित करेंगे ना, बहुत ही बेहतर तरीके समझ में आएगी। ठीक है, उसके लिए ये समझ लो पूरी की पूरी हमें रचना करनी पड़ रही है, जिससे आपका एक वर्ल्ड जियोग्राफी का जो कॉस्मोलॉजी भाग था, उसके अंतर्गत मतलब ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखा एक टॉपिक था। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरा का पूरा मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया था। कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया लैटिट्यूड पर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड पर। और लॉन्गिट्यूड से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं, वो भी सीखेंगे। और आज टाइम निकालना भी सीखेंगे, कैसे आप कहाँ कहीं भी स्थानीय समय निकाल सकते हो, मानक समय निकाल सकते हो। ठीक है, सब कुछ सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एप्लीकेशन है उस स्टडी पाई, उस पर चल रहा है MP पुलिस कांस्टेबल का बैच, जो आपका 1 नवंबर से स्टार्ट है और इसकी परीक्षा मार्च में, जिसके लिए हम लोगों का एक विधिवत बैच कोर्स पूरा अवेलेबल है स्टडी पाई ऐप पर। और आपको पता है बहुत ही मिनिमम फीस पे 1499 रुपए में मात्र। ठीक है, और आपको ये पता है ये बैच जो है 6 बजे से 10 बजे के बीच में 4 कक्षाएं आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, मैथ रीजनिंग जीके और MP GK अलग से। ठीक है, सबकी टाइमिंग आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। चलिए अब मैं बात कर देता हूँ, यहाँ इस कोर्स में पढ़ाएगा कौन, आपको पता है मेरा नाम जानते ही होंगे सब लोग। ठीक है, मैं आपको स्टैटिक GK पॉलिटी और प्लस जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ उस बैच में। और फिर मैं उसके बाद में बताना चाहता हूँ, ये हैं हमारे अंकित सचान सर, जो आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, जो जिसमें ये बिल्कुल महारत हासिल है इनको। ठीक है, एक तरीके से ये आपका पेपर में साइंस में कोई भी प्रश्न नहीं फंसने देंगे। चलिए मैं बात करता हूँ मैथ ऑफ विजार्ड के अंबु सर को, जो आपको पूरी की पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का मैथ आपकी कवर करा रहे हैं। और मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अब निधि मैम की, जो आपको MP स्पेशल एक तरीके से मतलब MP में पूरी की पूरी निपुणता हासिल करा देंगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने एक न्यू सर का, जो आपको पता है ये अनिकेत सर से तो सभी सर परिचित होंगे, जो आपको रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति में एक नई शक्ति आपको प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये है हमारे अंकित तिवारी सर। तो अंकित तिवारी सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए, जिसमें आप संकल्प बैच, महापराक्रम बैच, रैंकर बैच पूरा का पूरा पढ़ने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर पे स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथियों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। ठीक है, आज सेशन क्या हमारा जियोग्राफी का लेक्चर 2, और स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कॉल कर लीजिए। जियोग्राफी लेक्चर 2, कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा क्या, बहुत अच्छे से अक्षांश के बारे में सीख गए, अक्षांश के बारे में हम लोग सीख गए। अब अगर आपका एक प्रश्न बनता है ना, बहुत प्यारा सा, क्या बनता है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर ज्ञात करो, अक्षांश एवं देशांतर रेखा में अंतर ज्ञात करो। ये मेंस में आपका प्रश्न बनेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपको पता हो गया होगा कि जितनी बातें आप लैटिट्यूड की जान गए और जितनी बातें आप लॉन्गिट्यूड की जान गए, मतलब अक्षांश की बातें जान गए और देशांतर की जान गए, बस दोनों में एक चार्ट बना के आप उनका डिफरेंस कर सकते हैं कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींचे जाने वाली रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है अक्षांश की, तो अक्षांश की संख्या होती है टोटल कितनी होती है 181 होती है, रेखाएं कह दे तो 179। यहीं पर देशांतर की संख्या कितनी होती है 360 होती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है मतलब कटिबंध, और दो देशांतर के बीच की दूरी को कल हमने नहीं बताया था, आज बता दूंगा आपको, वो कहा जाता है गोरे। चलिए अक्षांश के बारे में आप अच्छे सीख गए, अब बात करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है वो देशांतर, क्योंकि देशांतर से हमारे बहुत सारे प्रश्न बनने हैं।
अभी मैंने बहुत कम चीजें बताई थी लॉन्गिट्यूड से, और लॉन्गिट्यूड समझो मेन है मेरा। आपको पता है जो अक्षांश है, इससे हम लोग क्या क्या निकालना सीख गए, एक तो लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं मतलब स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, और एक डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। कहने मतलब है किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन हमें किसके माध्यम से पता चलती है, वो अक्षांश रेखाओं की वजह से। दिशा किसके माध्यम से पता चलती है, वो पता चलती है वो भी लैटिट्यूड के माध्यम से। अब लॉन्गिट्यूड का हमने बताया था, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है टाइम। और आज हमें यही मेन सीखना भी है। टाइम आपको पता होंगे दो प्रकार के, एक होता है स्थानीय समय और एक होता है मानक समय। स्थानीय समय और एक होता है मानक समय। स्थानीय समय को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल टाइम। लोकल टाइम। मानक समय को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम दो प्रकार के यहां पर आपको समय देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दो प्रकार को आपको यहां पे समय देखने को मिल रहे हैं, एक है स्थानीय समय एक है मानक समय मतलब स्टैंडर्ड टाइम। अब बहुत बच्चों को यही नहीं पता होगा स्थानीय समय किसको कहते हैं और मानक समय किसको कहते हैं। ठीक है, स्थानीय समय किसको बोलते हैं और मानक समय किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से मैं यहां पे क्लियर करने वाला हूं। चलिए, अभिषेक शुक्ला जी, सुप्रिया है, रविकांत, रॉबिन, संध्या, रितेश, विवेक, ठीक है, चलिए, सालिकराम, दिव्या, चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग केवल ये बताइए कितने बच्चों को स्थानीय टाइम या मानक समय पता है, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। अगर दोनों को डिफाइन करने को आ जाए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट। अच्छा, संदीप जी कह रहे हैं सर पेन का कलर चेंज कर दीजिए, दिख नहीं रहा है, चलिए चेंज करते हैं। साथियों, एक चीज की कमी है भी, पता क्या, लाइक एंड शेयर की कमी है थोड़ा सा। लाइक एंड शेयर फैलाओ, एक बार आग लगाओ, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से बताइए स्थानीय समय किसको बोलते हैं और मानक समय किसको बोलते हैं। तो स्थानीय समय में जो बताने वाला हूं ना कॉन्सेप्ट, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। महेश पटेल और रविकांत जी, आपको भी नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, अब मैंने कलर चेंज कर लिया है, परेशान मत हो, कलर अब आपको बहुत ही बाकायदा दिखेगा। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत ही जबरदस्त कलर दिखेगा, जल्दी बताइए। चलिए, अभी नहीं पता, मैं बताता हूँ। जो लोकल टाइम होता है बच्चा, लोकल टाइम, जैसे लोकल टाइम हमारे पूर्वज लोग और प्राचीन समय में होता क्या था कि सूर्य को देख के लोग बता देते थे कि अभी कितना बजा है। ठीक है, और आप बता सकते हो लोकल टाइम का एक स्टैंडर्ड कैसे, लोकल टाइम आप ज्ञात कैसे करते थे पूर्वज लोग। जब हम कहीं धूप में खड़े होते थे और धूप में खड़े होने की वजह से हमारी जो शैडो है, जैसे हम मान लो यहां खड़े पीछे की तरफ सूर्य तो आगे की तरफ शैडो बननी चाहिए, या इधर मैं खड़ा हूं इधर सूर्य तो इधर बननी चाहिए, बट शैडो नहीं बन रही है। तो इसका मतलब होता था जब हम धूप में खड़े हैं और सूर्य की रोशनी हम पे पड़ रही है, हमारी शैडो नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है सूर्य की किरणें हमारे ऊपर सीधा पड़ रही हैं। सीधा पड़ने की वजह से हमारे शरीर की जो इमेज है, जो शैडो है, प्रतिबिंब है, वो दूसरी जगह नहीं बन रही है। उसका मतलब होता है दोपहर के 12 बजे हैं, और दोपहर के 12 बजे क्या होती ना, बिल्कुल सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं, याद रखिएगा। तो स्थानीय समय आपको पता चल गया, ये कैसे पता करते थे, ये पता करते थे सन की वजह से। अगर सूर्य की किरणें सीधा किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति पर पड़ रही हैं और उसकी शैडो जाके नहीं बन रही कहीं और, तो वो क्या उस समय क्या समय होता था, वो कहलाता था स्थानीय समय, मतलब 12 बजे। ठीक है, गुड इवनिंग अर्जुन, आरती पटेल, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ गया, क्या बात है क्या बात है। देखिए, अभी किसी को नहीं पता था, आप कमेंट करके बता दो स्थानीय समय समझ में, चलिए अभी कमेंट मानक समय समझ लो। अब मानक समय कैसे आप निकालते हो, तो मानक समय निकालने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं, देशांतर का। जो देशांतर है, देशांतर की वजह से
समय निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो स्टैंडर्ड टाइम निकलेगा, बिल्कुल फिक्स टाइम निकलेगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम निकलेगा। पहले तो अंदाज मार दिया गया कि भैया क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, शैडो नहीं बन रही है, तो 12 बजे है, तो 12:02, 4 मिनट भी हो सकता, लेकिन देशांतर की वजह से, लॉन्गिट्यूड की वजह से हम लोग स्टैंडर्ड टाइम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अब हमने आपको बताया था कि जो देशांतर होते हैं वो कैसे हैं, तिरछे खींचे गए, वो कैसे खींचे गए, तिरछे खींचे गए। और किस लिए तिरछे खींचे गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, तिरछे इसलिए खींचे गए क्योंकि पृथ्वी की आकृति जियोड टाइप की है, अंडाकार टाइप की है, तो उसमें सीधी सीधी अगर रेखा हम खींच दें तो कुछ भाग अतिरिक्त रह जाएगा। और मैंने ये भी बता दिया था कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों पर क्या होती हैं, उनके बीच में दूरी बिल्कुल न्यूनतम होती है। मिनिमम डिस्टेंस कहां पर होती है देशांतर की, वो होती है मिनिमम डिस्टेंस, मतलब 0 किलोमीटर डिस्टेंस कहां पर होती है, तो मिनिमम डिस्टेंस होती है कहां पर, पोल पर, मतलब ध्रुव पर। और यही बात आ गए कि मैक्सिमम डिस्टेंस कहां होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इक्वेटर पे, मैक्सिमम डिस्टेंस कहां होती है इक्वेटर पे, कितनी होती है ये भी हमने बताया था कल, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दो देशांतर के बीच की दूरी होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी को कहते क्या है, तो कहते क्या है, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं, दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग समझ में आना, समझ में आएगा, गारंटी आएगा। सुप्रिया जी समझ गई आप, बहुत बढ़िया बेटा। सुजीत जी आप भी समझ गए, फटाफट साथियों एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो और सभी साथियों को बता दो क्लास शुरू हो गई है, जल्दी से जल्दी आ जाओ, ठीक है। अब ये भी बात समझते हैं बहुत ध्यान से, आपको पता चल गया स्थानीय समय क्या है। जो पूर्वज लोग, दादा बाबा दादी लोग या सब लोग सूर्य को देख के समय बता देते थे, उसको हम लोग लोकल टाइम बोलते थे, और मानक समय जो देशांतर की सहायता से ज्ञात किया। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन है, समय निकालना सीख जाओगे ये मानो। अब ऐसे ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो IAS लेवल तक पूछे गए, बहुत मजा आने वाला है ये मान लीजिएगा, ठीक है। केवल क्या करना है, पढ़ना है। अब जैसे मैं कह दूं आपसे, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसा कहां पर कह दिया गया कि मानक समय देशांतर से ज्ञात करेंगे और देशांतर में कौन सी रेखा होगी, तो मैं बताना चाहता हूं आपको, कल भी बताया था अच्छे से। क्या बताया था, बताया था बालक कि जैसे ये देशांतर रेखा 0 डिग्री है, तो इसके विपरीत रेखा कौन सी है, इसके विपरीत रेखा 180 डिग्री है, और 1 डिग्री है तो उसके विपरीत कौन सी है, उसके विपरीत है 179। तो ये जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री देशांतर को इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। कल बताई थी ना ग्रीनविच लाइन किसको कहते हैं, इसी को बोलते हैं। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आज इसके बारे में भी चर्चा करनी है, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन किसको बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और 0 डिग्री को ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, और ग्रीनविच लाइन के साथ साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और आपको पता होगा 180 क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने बताया था 180 डिग्री का मतलब है 12 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि 15 डिग्री बराबर एक घंटा, तो 180 डिग्री बराबर 12 घंटा, 12 घंटा जब पार करके जाते हैं हम लोग तो दिन बदल जाता है, तो दिन बदलने की वजह से तारीख बदल जाती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, और 0 डिग्री क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और ये ग्रीनविच नाम कहां से पड़ा, तो लंदन में एक रहे उसको बोलते हैं ग्रीनविच, तो वहीं से बोला गया है, और लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब आपके दिमाग में बात उठ रही होगी कि सर जी
स्टैंडर्ड टाइमलाइन आखिरकार जो मानक समय रेखा है उसको कैसे निर्धारित किया गया कि यही मानी गई रेखा, यही मानी गई रेखा, यहीं से पूरे विश्व के टाइम का निर्धारण होगा। तो वहां पर एक प्रकार से कोई यंत्र लगा दिया गया, तो वहीं से सूर्य की किरणों की वजह से पता चलता है, उस यंत्र की सहायता से पता चल रहा है कि कहां पर कितना समय हो रहा होगा, और उस समय के आधार पर ही बांट दिया गया कि प्रत्येक देश इस मानक समय रेखा को मानते हुए अपने अपने देशों का टाइम जोन निर्धारित कर सकता है। क्लियर है बात? समझते चलना, हमने मजा नहीं आएगा, बहुत ध्यान समझना। जो मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री से गुजरती है ग्रीनविच लाइन से, ठीक है, और इसका निर्धारण कहां किया गया तो आपको याद रखना है 1884 में एक सम्मेलन हुआ था, मतलब एक कन्वेंशन हुआ था। कहां पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें विश्व के कई सारे देश थे, जिसमें भारत भी शामिल था। इसमें निर्णय लिया गया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है लंदन की ग्रीनविच से गुजर रही है, इसको मानक समय रेखा का नाम दिया गया विश्व के संदर्भ में, और यहां से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाएगा। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, चंदन चौहान कह रहे हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा। बेटा अभी भी अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो बेकार है, इतना क्लियर तो हमें दिख रहा है बालक, ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। 1884 में वाशिंगटन डीसी में जो हुआ था, क्या हुआ था? वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जहां पर 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा का एक स्टैंडर्ड प्रदान किया गया था, ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रदान किया गया था कि यहां से समय का निर्धारण किया जाएगा। तो 180 डिग्री देशांतर क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, समय रेखा आप कह सकते हो। अब बात समझो बहुत ध्यान से, क्या समझोगे? समझते चलो तभी तो मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। ये जीरो डिग्री देशांतर है जो ग्रीनविच से गुजरती है, और 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से गुजरती है वो दोपहर के 12 बजे यहां से समय काउंट करेंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे, यहीं से समय हम लोग निर्धारित करेंगे, ठीक है। दोपहर के 12 बजेंगे 0 डिग्री देशांतर पे लंदन में, दोपहर के 12 बजे समय का निर्धारण करेंगे। ये पूरी की पूरी अवधारणा कहां पर प्रस्तुत कर देगी? 1884 में जो वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था वहां पर। अब क्या कहा गया? अब ये 0 डिग्री देशांतर जो अटलांटिक सागर से गुजर रही है, इसके इस साइड वाले देश कौन से कहला रहे हैं? इस साइड वाले देश कहला रहे हैं ईस्ट के देश, पूर्वी देश। और इस साइड वाले देश कौन से कहला रहे हैं? इस साइड वाले देश कहला रहे हैं पश्चिमी देश। तो कल हमने बताया था सूर्य जो उदय होता है, सन जो उदय होता है वो किस दिशा में होता है? पूरब की तरफ। तो सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए सन है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो जो पृथ्वी यहां पर आएगी तो सिंपल सी बात है सूर्य, जैसे भारत में अगर मैं बात करूं कहां पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है तो अरुणाचल प्रदेश पहले पड़ जाएगा, क्योंकि जो है ना पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो पहले पड़ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जब पड़ जाएगा तो सूर्य सबसे पहले पूरब दिशा में उदय हो रहा है, उसका उदय हो रहा है, इसीलिए पूरब की साइड। सिंपल सी बात, जब पूरब की तरफ उदय हो रहा है तो पूरब की तरफ समय क्या होगा? पहले, मतलब ज्यादा होगा। तो पूरब की तरफ जाने पर समय क्या होगा? बढ़ेगा। और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। क्लियर करते करते चलना, नहीं मजा नहीं आएगा। क्या कह रहे बच्चा कृष्णकांत जी? सर वीडियो प्रॉब्लम। बेटा देख लो, आपका नेट नहीं चल रहा होगा, ठीक है, बाकी सबका चल रहा है। चलिए संदीप जी, कंप्लीट ज्योग्राफी है, कोई डेमो क्लास नहीं है, ठीक है। चलिए आप समझते चलो तभी मजा आने, नहीं मजा नहीं आएगा। शेयर कर दो, देखो, और दूसरी बात, लाइक अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हो आप। जितने बच्चे लाइक कर दो, प्रवीण, आयुब, हरित, सोनम,
कृष्णकांत, ठीक है, सभी बच्चे लाइक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मज़ा आएगा बच्चा। मुकेश सैनी, चलिए आगे मैं बात करता हूँ, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। मैंने बताया था देशांतर की संख्या टोटल कितनी है, 360 है, और 360 डिग्री किस में बटे हुए हैं, 24 घंटे में बटे हुए हैं। 360 डिग्री बराबर 24x60 मिनट हो जाएंगे। अगर मिनट में मैं तोड़ूं तो एक घंटा की जगह 60 मिनट हम लिख सकते हैं, तो भाग दे दूं यहां पर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री बराबर 24 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। आपको पता चल गया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, लेकिन जब 1 डिग्री हम पूरब की तरफ आएंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगे, 1 डिग्री पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट हमारे घटेंगे। अब यहीं पे पता होगा आपको 1 घंटा बराबर कितने डिग्री बराबर, तो 15 डिग्री बराबर, सिंपल सी बात, 15 का मल्टीप्लाई इधर भी करा देंगे, 15 का इधर भी कराएंगे, 15 डिग्री इंटू 15 मतलब 60 मिनट। आप कह सकते हो कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, और यहीं पे आधे घंटे की बात मैं कर लूँ तो 7.5 डिग्री बराबर, इसका आधा कर दूँ तो 7.5, और इसका मैं आधा कर दूँ तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट। ये भी समझ में आ गया आपको, ये डायरेक्ट पेपर में प्रश्न आते हैं, आप डायरेक्ट इनको उड़ा सकते हो, डायरेक्ट इनको उड़ा सकते हो। अब बात समझो, ठीक है, बहुत ध्यान समझना अच्छे से। आपने पढ़ा होगा जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है, अब भारत के संदर्भ में ओपन होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, भारत का जो मानक समय रेखा है, तो ये जो समय रेखा है भारत की वो कितनी है, 82.5 डिग्री। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, फिर भारत में जो पहले ब्रिटिश काल चलता था अंग्रेजों के समय, यहां पर दो टाइम जोन बटे थे। टाइम जोन का मतलब समझते हो, भारत में एक ही टाइम जोन है, जैसे रूस में 11 टाइम जोन है, और ये 1884 के वाशिंगटन कन्वेंशन में बात बोल दी गई कि अपना जो देश है वो अपने अपने देशांतरी विस्तार के कारण अलग अलग टाइम जोन का निर्धारण कर सकते हैं। भारत में एक टाइम जोन क्यों बनाया गया, क्योंकि अलग अलग अगर टाइम जोन बना दिए जाते तो जो हमारी रेलवे चल रही है, रेलवे चल रही है ऑल ओवर इंडिया में, एक ही टाइम पे पूरा का पूरा काम हो जाता, वरना आप जब साउथ की तरफ जाते, जब पश्चिम की तरफ जाते, जब पूरब की तरफ जाते, तो आप केवल टाइम ही मिलाते रहते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो 2 घंटे का डिफरेंस आता है उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये मान लो मैं आपको मेंस की पूरी तैयारी करा दूंगा, आप जाए जो एग्जाम देने जाओ, ठीक है, लाइक कर दो फटाफट वीडियो को, मजा आ जाएगा, ठीक है, चलिए लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से। चलिए आगे बात करते हैं बहुत ध्यान से। ब्रिटिश काल में 2 जगह टाइम जोन चलते थे भारत में, एक सूरत में चलता था, एक सूरत से टाइम निकलता था, और एक कलकत्ता से निकलता था, मतलब कलकत्ता से एक टाइम जोन आता था, एक सूरत से आता था। बाद में क्या हुआ, यह डिसाइड किया गया क्यों ना भारत के लिए एक टाइम जोन बनाया जाए, तो भारत के लिए जो एक टाइम जोन बनाया गया वो बनाया गया कहां से, इलाहाबाद, सुने हो आप लोग, इलाहाबाद के जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद मतलब प्रयागराज पड़ता है, इलाहाबाद के नैनी से ये मानक समय रेखा प्रेजेंट टाइम में भारत की गुजरती है। अब ये मानक समय रेखा का 86 देशांतरी कितना होता है, 82.5 डिग्री होता है, 82.5 डिग्री। और जो भारत स्थित है विश्व के संदर्भ में, कल मैंने मैप आपको दिखाया था, ये ऐसे स्थित है, मतलब 0 ग्रीनविच रेखा के पूरब साइड में स्थित, क्लियर है बात, समझते चलो। अब ये जो मानक समय रेखा है ये भी गुजरती है भारत के कितने राज्यों से, तो ये भी मानक समय रेखा है ये भी गुजरती है कितने राज्यों से, ये भी गुजरती है कितने राज्यों में, 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो जरा वो भी देख लेते हैं हम लोग, यूपी, ठीक है, यूपी के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश,
और यहीं पे आप याद रखेगा एमपी। तो आपको पता चल गया ये कौन कौन से राज्य हो गए, पांच राज्य हो गए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पांच राज्यों से गुजरती है क्या? पांच राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा भारत की, भारतीय मानक समय रेखा जो गुजरती इलाहाबाद के नैनी से, जिसका देशांतरी विस्तार कितना है, 82.5 डिग्री है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पांच राज्यों से गुजरती है। क्लियर है बात? बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये पांच राज्य याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न आता है भारत में मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, पांच राज्यों से गुजरती है। मैं बता रहा हूं ना, इंट्रोडक्शन चल रहा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन किसका, इंडिया का। तो इंडिया में सब कुछ मैं बताऊंगा, टाइम भी बताऊंगा। तो आज टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा, और अभी प्रश्न भी करोगे तो बस क्या है ना, लाइक करते रहो, मजा आ जाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। सुजीत, प्रवीण, देखिए लाइक की संख्या कम है, देख लोग ज़्यादा रहे बट लाइक कम है। क्यों? क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं करते, नफरत कर रहे हैं। ठीक है, तो नफरत मत करो, उसको प्यार में बदलो। इतनी बात समझ में, बात समझो बहुत ध्यान से। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत की क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी, पूर्वी देशांतर है। ठीक, अब बात समझो, ये ग्रीनविच में 0 डिग्री देशांतर पे दोपहर के 12 बजे है, 0 डिग्री देशांतर पे, और 82.5 डिग्री ये भारत की रेखा गुजर रही है पूर्वी देशांतर। पूर्वी का मतलब केवल यहां पे लगेगा प्लस एंड माइनस से, मतलब समय बढ़ेगा कि घटेगा। बेटा पानी पी लू, एक सेकंड। समझो 82.5। अब यहां पे आपको पता चल गया टाइम निकालना कितने घंटे आगे। सबको पता है भारत की मानक समय रेखा जो इलाहाबाद नैनी गुजरती है, भारत लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। और आगे किस लिए? क्योंकि भारत ग्रीनविच रेखा के पूरब दिशा में स्थित है। 5.5 घंटे कैसे निकलते हैं? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 4 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 4 मिनट होता है। फिर देखो 15 डिग्री बराबर क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 82.5 डिग्री बराबर आपको निकालना कितने मिनट होंगे? तो अगर मैं बात करूं 15 का, अगर गुणा जुलू मतलब फैक्टर लू तो कितना होगा? 15 × 6 = 90, मतलब 15 × 6 टाइम अगर ले जाएंगे तो 90 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है। और 82.5 पे रुकना, तो 5 टाइम्स हम 15 ले जा रहे हैं, 15 को हम 5 बार ले जा रहे हैं, तो 75 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 15 × 5 = 75, और 75 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 5 घंटे आ जाएगा, 5 घंटा। यहीं पे 75 डिग्री बराबर 5 घंटा आ गया। अब बात करनी है 82.5 पहुंचना, मतलब अभी केवल कितना ज्यादा है? 7.5 डिग्री। और 7.5 डिग्री बराबर आपने अलग से चार्ट बना के रखा हुआ है कि 7.5 डिग्री बराबर कितना होता है? आधा घंटा। तो 82.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। ठीक है, 82.5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 5.5 घंटा। ठीक, तो पता चल गया पूरब दिशा में भारत की स्थिति होने के कारण भारत जो है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आते हैं, अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में दोपहर के, भारत में क्या टाइम हो रहा होगा? शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, अब पहले बताओ, कमेंट करके बताओ, तो ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आ गया तो मैं फिर आगे बढ़ूं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जल्दी बताइए फटाफट। सभी बच्चों को जय हिंद, बहुत सारा प्यार, लाइक शेयर करते रहो भाई, लाइक शेयर में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट, शेयर कर, समझ में आया कि नहीं है, फिर आगे मैं बढ़ू, जल्दी से बताइए। बिल्कुल पीके एजुकेशनल, बिल्कुल करेक्ट। 82.5 डिग्री आप इंटू 4 मिनट कर लो,
330 मिनट हो जाएंगे, और 60 मिनट से आप डिवाइड कर दो, 5 घंटे आधा, 5 और आधा घंटा हो जाएगा। चलिए हितेश जी कह रहे क्लियर नहीं दिख रहा, सभी बच्चों को तो क्लियर दिख रहा, बोले का अच्छी आ गया, बहुत बढ़िया। बिंदुराज आपको बहुत अच्छे से आ गया, सभी बच्चों को बहुत अच्छा आ गया, चलिए मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब मजा आएगा, अब मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं तो अब और मजा आने वाला है, अब और मजा आने वाला है आपको, पता क्यों? अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तो आप बेसिक सीख रहे थे, अभी तो आप बेसिक सीख रहे थे कि निकालना कैसे इस टाइम। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं तो बताइए आप, बताइए प्रश्न, यदि भारत में शाम के 8:30 बजे हों तो लंदन में क्या समय हो रहा होगा? लंदन में क्या समय हो रहा होगा, क्या समय हो रहा होगा, जल्दी बताइए फटाफट, देखते कितने लोग बता पाते। यदि भारत में शाम के 8:30 बजे है, मतलब जो टाइम है भारत में 8:30 PM है, तो लंदन में क्या समय हो रहा होगा, जल्दी बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए सूरज जी, चलिए गणपत जी कह रहे सर आप तो इतना बता दो कि एक या दो लोगों क्लास के बाद बंद नहीं हो जाओ, बिल्कुल नहीं बंद दूंगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे, ओनली मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वाति जी आपको आ गया, मैं फिर कल से आप देखो, बिल्कुल जिनको नया दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल सभी लोग बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए फटाफट, मजा आने वाला है, क्यों? देखिए सभी को 2 बज रहे हैं, क्या बात है, चलिए जल्दी बताइए फटाफट, चलिए बहुत बढ़िया, सही बच्चों का बहुत करेक्ट आंसर आ रहा है, कुमार हारित, सुप्रिया सिंह जी, सोनम, बिल्कुल करेक्ट है, शाम के 3 बज रहे होंगे, क्यों? मैंने उल्टा केवल प्रश्न पूछा है, लंदन से भारत का समय निकाला था, इस बार भारत से हमने कहां का निकाल दिया, लंदन का निकाल दिया, शाम के 3 बज रहे होंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है, 3 PM टाइम हो रहा होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बातें करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, और स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं तो देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप देखो और अच्छे से, क्योंकि 2-3 प्रश्न यहां पे कराऊंगा तभी हमें लगेगा कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, इधर जाने पर समय प्लस होता है, इधर जाने पर समय माइनस होता है। चलिए एक प्रश्न अगला बेटा है, लिखिए, यदि यदि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब 30, यदि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये प्रश्न है हमारा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय 4 PM हो, 4 PM हो तो, 4 PM हो तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय क्या होगा, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय क्या होगा। देखो हमने ज्यादा मेहनत नहीं करवाई, हमने समय निकालने के साथ साथ आपको भारत का भी पता करवा दिया। अब आप प्रश्न खेलो थोड़ा सा, तीन चार प्रश्न पूछूंगा तो अच्छे से और तैयार हो जाएगा। यदि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय 4 PM हो, मतलब 4 बज रहे हो, तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए फटाफट। किसी का करेक्ट आंसर नहीं है अभी जी, अभी किसी का करेक्ट नहीं है बेटा, मैं भी समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका, जो मैंने प्रश्न पूछा है ये कितने लोग बता पाएंगे, जल्दी बताइए फटाफट। बिंदुराज जी,
एक बज रहे हैं, एक कब के, सुबह के कि रात के, ये भी तो लिखो। 8, 9, 1 सब लोग लिख रहे हैं, 9, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी तो यही नहीं, आप लोग नहीं समझ पाए, अब मैं समझाने जा रहा हूं। इसीलिए धैर्य बनाए रखना और कॉन्सेप्ट पकड़ो, ना कि प्रश्न पकड़ो, ठीक है। भारत का तो रटे रहते हो, लेकिन अब समझना बहुत ध्यान से, क्या प्रश्न कह रहा, देखो सभी बालक, क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर किधर होगा, इधर, कितने डिग्री है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। यहां पे समय कितना है, समय शाम के 4 बजे है, 4 PM है। आपको बताना क्या है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय बताना है। पश्चिमी देशांतर का बताना मतलब इस साइड का, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर का बताना है, ये वेस्ट मतलब दिशा। तो हमने अब यहां पे पूर्वी ईस्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईस्ट साइड हमने लाइन ड्राई कर दी, इधर वेस्ट साइड लाइन ड्रा कर दी। यहां का समय बताना है क्या वजह है, अब बात समझो बहुत ध्यान से, सिंपल सी बात है। यहां से आपको यहां आना है, तो एक तरह से हमें पश्चिम की तरफ जाना है, तो उस तरफ जा रहे पहले तो आपको पता, जब 82.5 था यहां पे, 82.5 से हमने लंदन का समय पूछा था, तो आपने डायरेक्ट 5.5 घंटा घटा दिया था, 8.5 से डायरेक्ट घटा दिया था, 3 बज गया था। लेकिन अब बालक हमने पूछा है देशांतर दे के, 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री से जब यहां पर जाएंगे तो मतलब 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 2 घंटा, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा, 2 घंटे यहां पर घट जाएंगे, तो यहां पर 4 बज रहे हैं 30 डिग्री पे, तो 2 घंटे घटने के बाद, क्योंकि हम इस साइड आ गए, लंदन वाली दिशा में आ गए, पूरब दिशा चल, पश्चिम दिशा की ओर चलने लगे, तो 2 घंटे यहां पे लंदन में क्या बज गया होगा, लंदन में बज गया होगा कितना, दोपहर के 2 बज गए होंगे। लेकिन अभी भी प्रश्न आपका खत्म नहीं हुआ, प्रश्न आपका पूछ रहा 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, मतलब अब यहां से यहां और आना है 15 डिग्री, और 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है, मतलब 1 घंटा अभी यहां से पश्चिम की दिशा बाहर है, 1 घंटा और घटेगा, तो सिंपल सी बात, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय कितना हो रहा होगा, 1 PM मतलब 1 बज रहा होगा। फटाफट कमेंट करके बता दो कितने लोगों को नहीं समझ में आया, और जितने बच्चों का 1 PM सही था वही बच्चे सही है। गणित प्रवीण आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। संदीप जी आपका गलत था बेटा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने बच्चों सच में समझ में आया, जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके। जल्दी बताइए फटाफट कितने बच्चों को रियलिटी में समझ में आ गया ये प्रश्न, फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि बहुत सारा बताना है, मजा आना है सिर्फ आज, ठीक है। चलिए बिंदुराज जी आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अनिल जी आ गया, रंजीत, नेहा, राहुल, विवेक, बहुत बढ़िया। ऋतिक, बस इतने लोगों को, बाकी लोगों को आता था, बाकी लोग आप लोग बहुत तेज थे, इसका मतलब क्या बात है। चलिए सही बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ गया ना, ठीक है। कोई जाइएगा नहीं, थोड़ा सा बैटरी लो है तो बैटरी मैं बदल लूं, कोई जाइएगा नहीं, मात्र 1 मिनट का काम, ठीक है, उससे भी कम। चलिए उम्मीद करते हैं सबको वापस से मैं फिर दिखने लगाऊंगा, और बैटरी भी चेंज हो गई है, ठीक है। चलिए तो ये प्रश्न सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सोनम जी आपको नहीं समझ में आया, बेटा क्या नहीं समझ में आया इसमें, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 4 बजे हैं, 30 डिग्री ये है पूरब दिशा में, पूरब दिशा में ये 30 डिग्री है, ठीक है, और 30 डिग्री पे 4 बजे हैं,
तो सिंपल सी बात है, हमें 15 डिग्री पे पहुंचना है, मतलब इसके सहारे पहुंचना है। पहले तो 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 घंटे होते हैं, तो इधर साइड आना, पश्चिम की साइड चलने लगे तो समय घटेगा, यहां पर 2 बज गए। तो वह सुविधा के लिए हमने बता दिया, बाकी जरूरत नहीं थी। फिर यहां से अभी 15 डिग्री और आना है, तो 15 डिग्री और 1 घंटा होता है, तो मतलब यहां पे 1 बज रहे होंगे दोपहर के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए सभी लोग कह रहे हैं मजा आ गया, बहुत बढ़िया और अच्छे से आएंगे। चलिए कन्हैया जी, सर एक बार और बताइए बेटा, और नहीं दूसरा प्रश्न बताता हूं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप लिखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, लिखिए जल्दी से। यदि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर रात्रि के 9 बज रहे हैं, यदि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर रात्रि के 9 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? यदि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर रात्रि के 9 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? जल्दी बताइए फटाफट। यदि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर रात्रि के 9 बजे हैं, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? जल्दी बताइए फटाफट, देखते कितने लोगों का है। चलिए राज शर्मा आपको आगे, बहुत बढ़िया, सही बच्चों को आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, जल्दी बताइए इसका प्रश्न, देखते कितने लोग बता पाते हैं। विशाल जी, कितने बजे चलता है? बेटा रात्रि के 9 बजे चलता है, सोमवार से शुक्रवार, शनिवार संडे आपकी क्लास ऑफ होंगी, बाकी आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट, बहुत बढ़िया, क्या बात है संदीप जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ रहा है आप सभी बच्चों को पढ़ा के। ठीक है, इधर का मैं रब कर दे रहा हूं। अब मैं ये प्रश्न आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं किसका आंसर आ गया। जिन बच्चों का आंसर 12:20 AM आया है, कहने का मतलब 12:20 AM आया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12:20 AM आया, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गणित जी 12:20 PM नहीं होगा, AM होगा बेटा, AM, ये चीज याद रखना, AM PM का बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अब मैं बात करते हैं कैसे आया, तो समझो बात। 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर 9 बजे है रात्रि के, कहां पर है? 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ये 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये है, और रात्रि के 9 बजे हैं, 9 PM है, ठीक 9 बजे हैं। अब पूर्वी देशांतर पर पूछ रहा, कितने पूर्वी देशांतर पे? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय पूछ रहा है कि इस पर क्या समय होगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, यहां का पूछ रहा है। तो यहां से यहां तक जाना, अब हमें पूरब की साइड चलना है। तो 20 डिग्री से पहले हम यहां, टोटल इनके बीच में डिफरेंस कितना है, यहां से यहां तक जाने में कितना है, तो आपको पता है यहां से यहां के बीच में कितना है, 50 डिग्री का, कितना है 50 डिग्री। और 50 डिग्री बराबर क्या होगा, 4 मिनट से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 50 डिग्री बराबर क्या होगा, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितने मिनट आ जाएंगे, 200 मिनट, और अगर 200 मिनट को हम घंटे में निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे और 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। और 9 बजे रहे रात्रि के, यहां पूरब की तरफ हम लोग चल रहे हैं, समय क्या है, बढ़ना है, सिंपल सी बात। तो समय को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि पूरब की तरफ जा रहे हैं और रात्रि के 9 बजे हैं, तो 3 घंटे जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 12, 12 बज जाएंगे, तो रात्रि में एएम लिख जाता है, इसीलिए
12:20 AM इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। फटाफट कमेंट करके बता दो कितने बच्चों को समझ में आ गया। अब जल्दी से बता दो कितने बच्चों को समझ में आ गया। बीटू कुमार प्रणाम बेटा प्रणाम। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सभी साथियों को बता दो आग लगने वाली, जल्दी से आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि देखो ऐसे कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऐसे प्रश्न में आपको पूरा का पूरा मजा आ जाएगा। अच्छे से अच्छे प्रश्न मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको, ठीक है, लेवल तो बनाओ अपना। वर्षा भाव सर बिल्कुल करेक्ट बेटा, बोले कच्ची बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। रश्मि जी आपको आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, एक बार लाइक कर दो और एक बार अपना लाइक करके कमेंट करके बताओ कि मजा आया कि नहीं आया ये प्रश्न पढ़ के। ए भी प्रश्न आ गया आपको और ए भी आ गया, दोनों प्रश्न आ गए। फिर हम लोग तीसरा प्रश्न पूछते हैं, फिर हम लोग तीसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं। बिल्कुल विवेक जी आ गया, संध्या विवेक स्वाति गुरु ध्रुवेंद्र वीर, बस इतने लोगों का है, ज्यादा लोगों नहीं आया। चलिए चलिए कोई बात नहीं, सभी बच्चों को बहुत बढ़िया आ गया ना। नीरज जी कह रहे हैं वेरी नाइस सर, ओके बेटा थैंक यू, समझ में आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैं बोल रहा हूं, लिखिए व्हाट एवर प्रैंक। राम 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 बेटा। पूजा चंदेल यस सर आ गया, चलिए अगला प्रश्न। उस स्थान का, उस स्थान का देशांतर ज्ञात करो, उस स्थान का देशांतर ज्ञात करो जिसका समय 5 घंटे आगे हो, जिसका समय 5 घंटे आगे हो। जल्दी बताइए फटाफट, उस स्थान का देशांतर ज्ञात करो जिसका समय 5 घंटे आगे हो। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से, ठीक है। चलिए यहां पे मैं प्रश्न लिखे भी दे रहा हूं आपको, उस स्थान का देशांतर ज्ञात करो जिसका समय 5 घंटे आगे हो। पांच घंटे आगे हो, ठीक है। जल्दी बताइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग बता पाए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। हाँ गौरी सिंह ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ईस्ट 75 डिग्री, क्या बात है। यही बस मैं यही जानना चाहता था कितने लोग दिशा लगाते हैं। और बाकी आगे का मतलब क्या है, आगे का मतलब क्या है बेटा, पूरब किस तरफ, ठीक है याद रखिएगा। इस बार हमने आपका देशांतर पूछ लिया, अभी तक देशांतर से समय निकाल लेते, इस बार हमने क्या किया कि समय से देशांतर पूछ लिया। कहने का मतलब है जिसका समय 5 घंटे आगे हो, और समय किस साइड आगे होता है, वो आगे होता है पूरब की तरफ आगे होता है, और पूरब की तरफ मतलब 5 घंटे आगे है, तो 5 घंटे मतलब यहाँ पे कौन सा देशांतर जा रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, 1 घंटा बराबर कितने डिग्री होता है, 1 घंटा बराबर होता है 15 डिग्री। तो सिंपल सी बात है 5 घंटा बराबर कितने डिग्री, तो आपको पता चल गया 5 घंटा बराबर 75 डिग्री। 5 घंटा बराबर 75 डिग्री निकल आया, क्लियर बात। अब सिंपल सी बात है, वो ये 75 डिग्री कहां स्थित होगा, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये उस स्थान की स्थिति पता चल गई, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है पता चल गया ना, मजा आ गया, प्रश्न समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, चलिए इतने बात समझ में आ गया ना, उम्मीद करते हैं अच्छे से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया के संदर्भ में, तो बात समझिए बहुत ध्यान से, क्या समझना है आगे।
यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है जिसका क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे जो पूर्वी राज्य भारत का। और यहाँ पे जो एक स्टेट पड़ता है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है गुजरात, जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। गुजरात से जो देशांतर की रेखा गुजरती है, कितनी गुजरती है, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरती है, मतलब पूर्वी, क्योंकि भारत आपको पता चल गया पूर्वी देशांतर में स्थित है, मतलब समय यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, क्लियर है बात। यहां पे जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है वो कौन सी गुजरती, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, पूर्वी। अब बात आती है कि भारत के पश्चिमी देशांतर एवं पूर्वी देशांतर के बीच में कितना अंतर है, कितने डिग्री का है, तो आपको दिख रहा होगा लगभग लगभग 30 डिग्री का है। और 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 घंटा होता है। और 2 घंटा जब होता है भैया, तो अगर कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूरज निकल आया, तो गुजरात में सूरज कब निकलेगा, गुजरात में सूरज सुबह 7 बजे निकलेगा, क्लियर है बात। आपको पता है, और ऐसे भी आप पता कर सकते हो समय पर ज्यादा कहां का चलता है, पहले कहां का चलता है, पूरब साइड का चलता है। और अरुणाचल प्रदेश पूरब दिशा में स्थित है क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए तो इतना याद रखिएगा, बहुत अच्छा पेपर में प्रश्न आता भी है कि भारत के पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी देशांतर के बीच में कितने घंटे का फर्क है, तो आप आसानी से बता सकते हो 2 घंटे का फर्क है। कितने डिग्री देशांतर का फर्क है, तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट, जो 120 मिनट मिलके बनते हैं 2 आवर, क्लियर बात। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर। और यही भारत की यहां से क्या गुजरती है, मानक समय रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री, क्योंकि भारत के मिड से गुजरती है और पश्चिमी और पूर्वी के औसत अगर निकालोगे तो 82.5 डिग्री निकलेगी। 82.5 को ही क्यों माना गया मानक समय रेखा, क्योंकि पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर को आप जोड़ोगे और इनको 2 से भाग दोगे, कहने का मतलब दोनों का एवरेज निकालोगे तो इतना ही आएगा, क्लियर बात। तो ये भी आपको आसानी समझ में आ गई होगी, ये बात आसानी समझ में आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, सही बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा, आना भी चाहिए। लखन जी अरुणाचल गुजरात, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट। तो अब आप हमें एक प्रश्न बताओ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश अगर हम जाएंगे तो समय बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर अगर हम जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताइए फटाफट, बहुत प्यारा प्रश्न है, देखते कितने लोग बता पाते हैं। संदीप, रिंकी, रिंटू, विशाल, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, जिन बच्चों ने भी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, शेयर कर दो एक बार, और लाइक भी कर देना, ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट, बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी से बताइए बच्चा, बढ़ेगा, बहुत प्यारा। विवेक, संतोष, आरती, क्या बात है, राज, बिंदुराज, संध्या, भोले, पूजा, विवेक, बहुत बढ़िया, सुप्रिया, प्रवीण, संदीप, चलिए सही बच्चों को उम्मीद करते समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ में। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं ना अच्छे से, आगे क्या बात करनी है यहाँ पे तो समझिएगा बहुत ध्यान से। भारत में एक अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था पेमा खांडू, उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह उठाया था कि भारत में केवल एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री का, हमारे पूरब साइड के जो जितने राज्य हैं उनके लिए एक नया टाइम जोन बनाया जाए, इसके पीछे रीजन क्या, मतलब इन्होंने टाइम जोन की मांग क्यों उठाई, पता है आपको, यहां पे सुबह हो रही है 5 AM पे मान लिया, और यहां पे सुबह हो रही है 7 AM पे, तो यहां पे अगर मैं चाहूं तो ऑफिस के कार्य 5 बजे से और 12 घंटे ही तो सूर्य रहेगा, तो ज्यादा ज्यादा 5 बजे से 5 बजे सुबह से 5 PM तक चल रहे हैं, ठीक है, चलाए जा सकते हैं जिससे, और यहां पे 7 बजे से 7 PM चल रहे हैं, ठीक है।
अब इनसे भी कहा जा रहा है कि पूरे देश में सेंट्रल लेवल के जो ऑफिस हैं वो कह रहे हैं कि इतने बजे अगर ऑफिस खुला है तो सिंपल सी बात 7 बजे यहाँ बंद हो रहा है, 7 बजे सब जगह बंद हो रहा है। तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि इनको 2 घंटा तो एक्स्ट्रा वेट करना पड़ रहा है, ये 2 घंटा इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। इसके लिए जब 7 बजे अगर ये ऑफिस अपना बंद करेंगे तो इनको लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सोलर एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बिजली पर लोड ज्यादा पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि अगर ये 5 ही बजे मतलब टाइम जोन इनका बन जाए तो उसी हिसाब से अपना कार्य करें, कार्यालय खुले बंद हो तो उससे सोलर ऊर्जा का यूज कर लें, ठीक है। इसीलिए इन लोगों ने मांग उठाई थी कि अलग टाइम जोन हमारा होना चाहिए। लेकिन अगर भारत में अलग अलग टाइम जोन हो जाए तो रेलवे डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादातर जितने भी सेंट्रल ऑफिस हैं वो दिल्ली के टाइम जोन से निर्धारित होते हैं, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा इसका रीजन। ये प्रश्न पता कहाँ पे आएगा, इंटरव्यू में आएगा, तो आपके लिए खेल हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। चलिए अब बात करते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा हो गया, आज हमने समय निकालना सीख गया, अभी और सीखेंगे हम लोग। क्या सीखने वाले हैं वो भी देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी, और यहां से कई सारे प्रश्न भी निकालने वाला हूं मैं। अब वो तो आपको पता है कि अलग अलग देशों में कई कई टाइम जोन है, जैसे रसिया में टाइम जोन जो है 11 है, यूएसए में कितने है? 7 है, और ऑस्ट्रेलिया में 3 है, कनाडा में जो है वो 6 है, ठीक है। हर जगह अपना अपना टाइम अलग अलग है। चलिए संध्या जी, लेकिन उधर तो अंधेरा होने लगे, बिल्कुल अंधेरा होने लगेगा, लेकिन बात वही है ना, अंधेरा तो, लेकिन उनको वो किसके अंडर से काम कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब दिल्ली के जो एसएससी की भी जॉब होती है, जैसे सेंट्रल वाले जो ऑफिस होते हैं तो टाइमिंग तो उनकी वही रहेगी ना, गाइडलाइन तो उनके लिए वही फॉलो हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। चलिए मजा आ रहा ना, मजा आएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल जिसको बोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो याद रखिएगा, ये जो तिथि, अब ये तिथि रेखा कैसे, बहुत प्यार से आप जब मैप देखोगे तो ये वाला भाग क्या पड़ता जाता है, रसिया पड़ जाता है, और आप ये वाला भाग देखोगे तो ये क्या पड़ जाता है, अलास्का पड़ जाता है, जो अमेरिका का पार्ट होता है। और अलास्का और रसिया के बीच में एक स्थित है क्या, इनके बीच में एक स्थित है क्या, क्या बोलते हैं इसको, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये तिरछी खींची गई है, और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, चुक्की सागर ही पड़ता है, प्रशांत महासागर से, कौन से महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और 180 डिग्री रेखा को क्या, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया, ये सारी चीज अच्छे से पता है ना, समझते चलो भाई, तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। कैलाश पटेल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, सभी लोग वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सा शेयर करो और अपने साथियों में फैलाओ, बहुत मजा आने वाला है, ये मान लो, विश्वास मानो, ठीक है। चलिए अब बात समझते चलो, क्या तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो तिरछी क्यों खींची गई, यहां से आ रही थी, तिरछी मतलब मोड़ी इसलिए गई क्योंकि यहां पर जो पाया जाता है, यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है जो आपको पता होना चाहिए, यहां पे बेरिंग स्ट्रेट, इसलिए तिरछी खींची गई, क्योंकि अगर सीधी खींच दी जाती ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये तिरछी इसलिए की गई, और बेरिंग स्ट्रेट से गुजर रही है रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी खींच जाती तो ये साइबेरिया ही वाला जो
भाग है ना वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर आ जाता, तो इससे क्या होता जब हम यहाँ पे आते तो दूसरा डेट होता, और 180 डिग्री को पार करने के बाद जब दूसरी साइड चले जाते हैं तो तिथि बदल जाती। कहने का मतलब है एक ही देश में दो दो तिथियाँ हो जाएंगी, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तिरछी खींची गई। क्लियर हो गई बात? इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तिरछी खींची गई। और याद रखिएगा बालक बहुत अच्छे से बहुत प्यार से कि यहां पर तो साइबेरियाई प्रदेश की वजह से रसिया का पड़ जाता, और यहां पर किस लिए? क्योंकि यहां पर बीच में पड़ता था क्या, फिजी आइलैंड। कौन सा आइलैंड? फिजी और टांगा आइलैंड, ये दोनों आइलैंड है, और ये दोनों आइलैंड किस महाद्वीप के पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे सीधी निकाल दी जाती तो यहाँ से फिजी वाला आधा हिस्सा इधर हो जाता, आधा इधर हो जाता, जिससे अगर यहाँ पे जाते तो रविवार है और यहाँ पे जाते तो मंडे है, तो बड़ी समस्या। तो एक ही देश में दो तिथियां ना हो, इस वजह से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तिरछी खींच दी गई। क्लियर है वो? कई बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहां पर भी एक द्वीप पाया जाता जिसको क्या बोलते हैं, एल्युएशन आइलैंड। क्या बोलते हैं? एल्युएशन आइलैंड। तो आपको पता चल गया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है, बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। क्लियर हो गई बात? ये सारी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और तिरछी इसलिए खींची गई क्योंकि एक ही देश में दो तिथियां हो जाती, वो सुटेबल ना होती, ठीक है। बिल्कुल प्रवल राजावत जी के फिजी की राजधानी सुआ होती है। उम्मीद करते सबको अच्छे से मजा आ रहा होगा। बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरह मजा आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, भरत जी कह रहे पढ़ाते अच्छा हैं आप, आशा थी पूरा करवा देते। बिल्कुल पूरा करवाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। चलिए करवाएंगे भरत जी, बिल्कुल विश्वास मानो हमारा, ठीक है। यस बिंदुराज, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चार स्थानों पर मुड़ी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, उम्मीद करते हैं आपको मजा आ गया होगा। प्रशांत महासागर हो गया यहीं पे, आप चुक्की सागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, वहाँ से ये रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट बहुत अच्छा प्रश्न है, बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती पता है? रसिया जो ये पड़ता है ना, रसिया ये एशिया का पार्ट है, और ये अलास्का ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको अलग करती है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को। क्लियर है बात? दोनों महाद्वीपों को, ये भी प्रश्न आप याद कर लो। और कौन सी जलसंधि है जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? बेरिंग जलसंधि है, याद कर लो, रट डालो, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, अनिल जी कह रहे हैं ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रवीण विनीत, बहुत मजा आ रहा है ना, मजा आएगा भी। चलिए स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं आपने ले लिया होगा अच्छे से, ठीक है। और साथियों आज के पूरा का पूरा टॉपिक हमारा क्या समाप्त हो गया? अक्षांश देशांतर जीवन में नहीं भूलोगे, ये याद रखना। और इससे निकलने वाले जितने प्रश्न हैं ना, हमने सारे के सारे बिल्कुल एक विधिवत तरीके से सजा दिए। अब क्या करना है आपको, ये सारे प्रश्न पर कवर करने, अपने अंडर बिठाने हैं। अगर बिठा ले गए ना आप, तो मान लीजिए मास्टर हैं आप, कहीं से आप पीछे नहीं होंगे, आपको कोई हरा भी नहीं पाएगा। साथियों एक बार कमेंट जिन्होंने बच्चों लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, जल्दी से बताते हैं, बताइए फटाफट कि वीडियो कैसी लगी। और आप जब वीडियो समाप्त हुआ करें तब जाके कमेंट बॉक्स में हमने कमेंट दिया करिए, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। भरत जी सर आप थोड़ी थोड़ी सब करवाते हैं क्या? नहीं बेटा बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए हरसाना जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जल्दी कमेंट में मजा आ गया नहीं आ गया, आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी कि नहीं आई, ठीक है। देखिए सुप्रिया जी अभी पढ़े हुए 3 दिन हुए, इंट्रोडक्शन क्लास हुई ट्यूसडे को, क्लास स्टार्ट हुई थी, फिर कल फर्स्ट क्लास थी, आज सेकंड क्लास, जिसमें अक्षांश देशांतर दिमाग में बिल्कुल घूम रहे होंगे। और दूसरी बात, उससे निकलने वाले सारे प्रश्नों का कलेक्शन करा दिया हमने आपको, ठीक है। चलिए प्रवीण जी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। हाँ पूजा जी कह रहे पुरानी वीडियोज कहाँ से दिखेंगी? आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए बहुत मजा आ गया ना,
चलिए आग लग गई, बहुत बढ़िया, आग तो लगनी थी। ठीक है मनीष जी आपको भी बहुत अच्छा आ गया, बिंदुराज आपको भी आया, ऋतिक बहुत प्यारा बेटा। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल है फ्राइडे, कल भी हमारी क्लास है, कल मिलते हैं हम आपको रात्रि के 8 बजे और भारत की स्थिति और आकार के बारे में थोड़ा सा आप ओपन हो रहे हैं, और क्योंकि अब अच्छांश और देशांतर हमारे दिमाग में बैठ गए, ठीक है अच्छे से। तो सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ गुड नाइट, मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों का लाइक करेंगे लाइक कर दो, या अनलाइक करना हो अनलाइक कर दो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।